Assalamu Alaikum, good morning everyone. I hope you guys are doing well. आज मेरा ऑफिस से ऑफ होता है, थर्सडे है, तो मैंने सोचा आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा कैजुअल रखूं और मेरी ऑफ डे पे मॉर्निंग रूटीन क्या होती है, मैं कब उठता हूं, क्या करता हूं, पहले फ्रेश होता हूं या ब्रेकफास्ट करता हूं, सारे मामला जो भी हैं वो आपके साथ आज मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन गुजारूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपके सामने उठाऊँ, काफ़ी लेट 10:30 बजे उठाऊँ, तो अब उठ के सबसे पहले फ़्रेश होऊंगा। नॉर्मली मैं जो ऑफ डेज़ होते हैं उस पर मैं हेल्दी ब्रेकफास्ट करता हूँ। वो हेल्दी ब्रेकफास्ट आज क्या होगा वो आपके लिए सस्पेंस है, आप खुद देखिएगा। जब हम किचन में जाएंगे, बनाने लगेंगे, तब आप लोग देखिएगा मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑफ डे पे क्या होता है। तो फिल वक्त सबसे पहले तो मैं फ़्रेश होऊंगा, क्योंकि फ़्रेश हुए बगैर दिन स्टार्ट नहीं होता। तो फ्रेश होने के बाद फिर हम ब्रेकफास्ट की तरफ जाएंगे, फिर क्या मामलात होते हैं मॉर्निंग रूटीन में वो सारे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फ़्रेश हो जाता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। ओके, टेक केयर। चाचू से मिलने वाला बच्चा, गंदा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चाचू की पहले मगर फ्लाइंग किस, फ्लाइंग किस, मुआ मुआ, फिर एक और मुआ। चाचू से मिल ले, चाचू से। अरे मोटू बच्चा, मोटे क्या हुआ, शरारतें करते पकड़े गए हो? हाँ, शरारते करते पकड़े को, सॉरी करो, सॉरी करो जी। अब मैं इस टाइम फ्रेश होकर आ चुका हूँ और अब मैं इस टाइम किचन में मौजूद हूँ। अपना ब्रेकफास्ट आज मैं खुद बनाऊँगा, क्योंकि आज का व्लॉग मेरा मेरे ऑफ डे पे मेरी मॉर्निंग रूटीन का था, तो आज ब्रेकफास्ट भी मैं खुद बनाऊँगा। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि रोज़ मैं हर दफ़ा ब्रेकफास्ट अपना खुद बनाता हूँ, वो मेरी मामा बनाती हैं, लेकिन आज मैं ब्रेकफास्ट खुद बना रहा हूँ। और ये ब्रेकफास्ट मैं रिवील कर दूँ कि क्या बनाने जा रहा हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं हेल्दी ब्रेकफास्ट करता हूँ अपने ऑफ डे के मॉर्निंग रूटीन में। तो आज मैं खाने वाला हूँ लोडेड चीज़ ऑमलेट विद ब्रेड। तो वो कैसे बनता है, मैं कैसे बनाता हूँ, तो वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा, मेकिंग उसकी सारी दिखाऊंगा। ये ख़ास तौर पे व्लॉग उन बैचलर्स लोगों के लिए जो अकेले लिविंग करते हैं और जो ब्रेकफास्ट अपना खुद बनाते हैं, तो वो अपना इस तरह का लोडेड चीज़ ऑमलेट का मज़ेदार ब्रेकफास्ट अपने ऑफ डे पे बना सकते हैं। तो अब चलते हैं इसकी मेकिंग की तरफ, लेट्स गो। हाँ जी, इस टाइम हमारे पास जितने भी चीज़ ऑमलेट के इंग्रेडिएंट्स हैं वो मौजूद हैं, जिसमें 2 एग्स लेंगे हम, क्योंकि मैं नॉर्मली 2 एग्स का ही ऑमलेट खाता हूँ। आप लोगों की मर्ज़ी, आप 3 का खाएं या 1 का खाएं। उसके अलावा ये हमारे पास चीज़ आ गया, टोमेटो आ गया और ये अनियन आ गया। ठीक है, ये अनियन मैं नहीं छीलूँगा, ये हम ड्यूटी लगाएंगे बाजी परवीन की। ठीक है, प्रवीण बाजी इसको करेंगे क्योंकि उनको आंसू निकालने का शौक़ है। तो इस टाइम ये हमारे पास कटबोर्ड आ गया, ये नाइफ्स आ गई, ये ऑलिव ऑयल आ गया। ठीक है, और इसके अलावा जो नमक वगैरह वो हस्बे जायका, वैसे मैं नमक यूज़ नहीं करता, ज़्यादा सोडियम यूज़ नहीं करता, तो लेकिन थोड़ा सा उसमें डालेंगे। तो लेट्स गो, अब इसकी मेकिंग की तरफ आते हैं। ये जी हमारी परवीन बाजी, जो कि 10 साल से हमारे पास काम कर रही हैं और यकीन माने सुबह अलार्म से उठने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनकी आवाज़ ही काफ़ी होती है। अच्छा, एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है, ये सिर्फ व्लॉग में मैं नहीं बता रहा, कि जब भी आप लोग खाना बनाएं तो सफाई का लाजमी ख्याल रखें। इस टाइम हमने टोमेटो एंड अनियन चॉप कर लिए। ये हमारा चीज़ है, हम चीज़ एंड पे डालेंगे, लेकिन इसके स्लाइस कर लेते हैं। एग्स की तरफ डालेंगे ये जो हमने चॉप किया है। इसमें हस्बे जायका नमक डालेंगे, मैं नमक कम, ये पिंक सॉल्ट है, इसका कोई इतना इशू नहीं होता, इतना नमक यूज कर रहा हूँ। डालेंगे इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स करेंगे, जैसे थोड़ा सा चीज़ हम पहले डाल देंगे और फिर बाकी चीज़ हम बाद में डालेंगे जब ये कुक हो रहा होगा। इस टाइम जी हमारा मटेरियल भी रेडी है, सब कुछ। अब इस टाइम हम बर्नर ऑन करने जा रहे हैं। बर्नर हमारा ऑन हो चुका है। कोशिश करें कि नॉन स्टिकी पैन लें क्योंकि इसके साथ आपका ऑमलेट जुड़ेगा नहीं, जलेगा नहीं, तो एक अच्छा ज़्यादा फ्लेवर आएगा। सबसे पहले हम इस पर ऑयल डाल लेंगे। आई एम यूजिंग ऑलिव ऑयल, अगेन सेहत के लिए अच्छा होता है, दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैं ज़रा ऑलिव ऑयल कभी कभी यूज़ करता हूँ। डालें ताकि अच्छे से स्प्रेड हो। कवर करना है। हम दे सकते हैं इसको कचूमर ऑमलेट कह सकते हैं, इसको स्मैश्ड ऑमलेट कह सकते हैं। हो चुका है अपनी प्लेट में। ये जी हमारी प्लेट है और इसमें हम अच्छे तरीके से इसको डालेंगे। बारी आ गई है टोस्ट वो गर्म करने की। My breakfast is almost ready. अब बारी आ गई है ऑरेंज जूस बनाने की क्योंकि मैं भूल गया था ऑरेंज जूस आज बनाने के लिए। तो मैंने फिल वक्त अपना जो ब्रेकफास्ट है वो मैंने माइक्रोवेव में रखा हुआ है और मैं इस टाइम जूस बनाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली मैं अपने ब्रेकफास्ट को खाते हुए का व्लॉग नहीं बना सका। वजह ये हुई कि जब मैंने ब्रेकफास्ट रेडी किया, ऑरेंज जूस रेडी किया और मैं डाइनिंग पे बैठा ब्रेकफास्ट करने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए कि इसका टेस्ट कैसा है और अरोमा कैसा आ रहा है, तो मैंने अपनी तरफ से वीडियो प्ले कर दी हुई थी। लेकिन जब मैं ब्रेकफास्ट कर चुका और उसके बाद जब मोबाइल पकड़ के वीडियो देखी तो वीडियो बनी भी नहीं थी, तो वो एक अनफॉर्चुनेट सीन हो गया। लेकिन द टेस्ट वॉज सो गुड। चीज़ प्रॉपर तरीके से ऑमलेट में स्प्रेड हुआ हुआ था और जो मशरूम्स थे उनका एक अलग टेस्ट, अलग अरोमा आ रहा था। द ब्रेकफास्ट वॉज सो गुड। तो इस टाइम मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ। अब मैं डेरे पर जा रहा हूँ सन बात लेने के लिए, तो अब डेरे पर चलते हैं, डेरे का टूर करते हैं, वहाँ क्या चल रहा है। लेट्स गो। क्या हाल है यार, ये धूप में तो अली ज़रा एक कुर्सी रख दो ज़रा। ये जी मैं आप लोगों को अपने डेरे का टूर करवा देता हूँ। ये डेरा है, ये केजेस बने हुए थे इसके अंदर मोर, पिजन्स, डॉग, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं होता पेट्स को देने के लिए। लेकिन अगर टाइम है तो पेट्स रखें, नहीं है तो जुल्म ना करें। ये डेरा है, ये बाबा यहाँ बैठते हैं, ये चाचू हैं, बाबा हैं, ठीक है। और अभी इस टाइम डेरा खाली है, तो अब सन बात लेते हैं। चाचा मैं तेरी वीडियो व्लॉग ते लाई यूट्यूब ते, तू मशहूर हो गया, लोग पूछते चाचा कौन है, कितों आया है, हैं? तो उम्र कितनी हो गई तेरी? की कीता है? सिगरेट तो महंगे हो गए ने, सिगरेट महंगे हो गए हैं, ते किवें पीएगा हुण? घट कर दे, घट कर दे। लाहौर दा पावा चाचा डेरे वाला सही तरह ते गया है, थोड़ा जिहा पिछे हो गया। लाहौर दा पावा चाचा डेरे वाला, क्या बात है, क्या बात जी। फाइनली आज का हमारा व्लॉग जो है मॉर्निंग रूटीन का, जो मेरे ऑफ डे पे था, वो कंप्लीट हो चुका है और इस टाइम अब दोपहर का टाइम होना शुरू हो गया है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को भी दबाइएगा और अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्रमोट भी कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।